यहाँ पे दोस्तों इसके लिए हम आ गए हैं मॉल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा पेटीएम वॉलेट का। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा आ चुका है पेटीएम वॉलेट का। तो दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप एक्टिवेट न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ जो है इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। इस कार्ड से दोस्तों हर पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑल ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो और हर ट्रांजेक्शन के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल हो। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए नीचे पे जाएंगे, नीचे पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया है तो फिंगरप्रिंट, यहाँ पे पिन दिया है तो पिन देके आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पेमेंट सेटिंग्स को आप यहाँ पे सारा स्मार्टफोन से ही कर सकते हो इस ऐप से। तो यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है हमारा एक्टिवेट। और उसके बाद दोस्तों इस ऐप से सारा मैनेज कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड मैनेज कर सकते हो, कार्ड मैनेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे कार्ड को मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आ जाएगा, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट लिमिट कितना आप रखना चाहते हो क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट लिमिट कितना रखना चाहते हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे डन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सिंपली आपको सेव चेंजेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से जो अपना जो है ट्रांजैक्शन लिमिट आप यहाँ पे अपना हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे अपना लिमिट आप सेट कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे पेटीएम वॉलेट कार्ड दिख जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर दिख रहा होगा और CVV एक्सपायरी मंथ देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे CVV एक्सपायरी मंथ वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपना यहाँ पे दिया है पिन या फिर पैटर्न आपको लॉगिन कर लेना है। और इस तरह से आप यहाँ पे CVV नंबर दे सकते हो और एक्सपायरी मंथ भी देख सकते हो। और कहीं भी इस कार्ड को नंबर देके और एक्सपायरी मंथ डाल के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फिजिकल कार्ड के लिए अभी अवेलेबल हुआ नहीं है, तो आप फिजिकल कार्ड के लिए आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं।